नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है रेनबो पेंटर्स एंड डैम्पिंग सॉल्यूशन में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बर्जर होम शील्ड का वॉल शील्ड 2K। ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको आप लोग घर के अंदर, घर का बाहर, नया वॉल पे, पुराना वॉल में, अच्छा वॉल में, खराब वॉल में, पुट्टी से पहले, पुट्टी के बाद, कहीं पे भी आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर डैम्पिंग वॉल में आप लोग बर्जर वॉल शील्ड 2K लगाना चाहते हैं तो पहले नाप लीजिए मॉइस्चर मीटर से वॉल का मॉइस्चर कितना है। अगर आपका दीवार का मॉइस्चर 10 से 25 डिग्री तक होगा, अगर आपको मॉइस्चर मीटर पता नहीं है तो वो ऑयल ट्रेंड मिस्त्री के पास मिलेगा जो बहुत दिनों से डैम्पिंग का काम कर रहा है, उन लोगों के पास आप लोग मॉइस्चर मीटर देख पाएंगे। उस मॉइस्चर मीटर से दीवार को नाप लीजिए, अगर मॉइस्चर दीवार के 10 से 25 के अंदर हो तो इस प्रोडक्ट को हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन मॉइस्चर अगर मोर देन 25 हो तो आप लोगों को डैम स्टॉप यूज करना है। डैम स्टॉप क्या है और कैसे यूज करते हैं इसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो पहले भी बनाया है, ऊपर आई बटन में आप लोगों को दिखेगा या आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके वीडियो देख लीजिएगा। अगर 25 से नीचे है तो आप लोग वॉल शील्ड 2K लगाइए। तो चलते हैं और अनबॉक्स करते हैं ये वॉल शील्ड 2K। चलिए, तो आप लोग देख रहे हैं मैंने अनबॉक्स कर लिया प्रोडक्ट को। इसके अंदर से दो प्रोडक्ट निकला है। पहला प्रोडक्ट ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये एक लिक्विड प्रोडक्ट है, और दूसरा प्रोडक्ट है ये डस्ट प्रोडक्ट है। आज ये दोनों प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे, कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, मतलब कौन सा सिचुएशन पे लगाना है, ये सब बात करेंगे इसके बारे में। जब भी आप कोई डैम प्रूफिंग का काम करवाएं, आपको याद रखना है जो लेबर, जो कंट्रैक्टर ये काम करेगा उसे ट्रेंड होना पड़ेगा, उसे इस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना पड़ेगा, तो ही जाके वो इस दोनों प्रोडक्ट को सही तरह से दीवार में लगा सकेगा। नहीं तो आपका जितना भी पैसा है वो खराब हो जाएगा, दीवार के जैसे पूरा खराब हो जाएगा, पैसा कोई भी काम में नहीं आएगा। अब हमको जानना है ये प्रोडक्ट लगाए कैसे। पहले बार जब नया वॉल में, अंदर हो या बाहर, घर की किसी भी वॉल में लगाना हो तो इसको 1:1.5, मतलब एक भाग ये, डेढ़ भाग ये, इस रेशियो से दोनों मिलाना है। याद रखिएगा इसमें 2 किलो है, इसमें 1 लीटर है, तो वही हिसाब से इसको 1 कप लेना है, इसको 1.5 कप लेना है। ठीक तरह से नाप लीजिएगा, नापने के बाद मिला लीजिएगा। टोटल जो वॉल्यूम बनेगा उसके साथ 50% पानी ऐड करना है। तो पानी मिलाने के बाद नई वॉल पे, घर का अंदर हो या बाहर, इसको हम ब्रश से लगाएंगे। इसको सूखने के लिए 6 से 8 घंटा छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें एक्रेलिक सीमेंटियस है, ये सूखने के लिए 6 से 8 घंटा आपको छोड़ना होगा। सूखने के बाद अगले दिन फिर से 1:1.5 रेशियो से इसको मिलाना है, फिर से 1 कप ये, 1.5 कप ये मिलाएंगे, लेकिन इस बार पानी नहीं लगाएंगे। एक पॉट में ठीक तरह से मिक्सिंग करने के बाद दीवार में हम लोग क्रिस क्रॉस से लगाएंगे। क्रिस क्रॉस मेथड मतलब पहला कोट अगर हम लोग सीधा लगाएंगे तो दूसरा कोट ऐसे लगाएंगे, आड़ा लगाएंगे। जब भी ये
पहला कोट हम लोग सीधा लगा रहे हैं, रूलर का यूज मत कीजिएगा, ब्रश से डायरेक्ट दोनों मिक्सचर को लगा दीजिएगा। इस दोनों का जो मिक्सचर है उसको ब्रश से लगाना है, रूलर से नहीं लगाना है, क्योंकि ब्रश से लगाने से इसका जो कोटिंग होगा वो उसका थिकनेस ज़्यादा बढ़ेगा, रूलर से लगाने से थिकनेस ज़्यादा नहीं बढ़ता, इसलिए हम लोगों को रूलर यूज नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ ब्रश से ही काम करना है। दूसरा कोट हम लोग लगा दिए ऐसे सीधा करके, फिर से हम सुखनेटी को छोड़ देंगे 6 से 8 घंटे। अगले दिन फिर से वही रेशियो, वही सब कुछ, 1 कप या 1.5 कप ऐसे मिक्सर बना के आराम मारेंगे, इस बार भी ब्रश से मारेंगे, रोलर नहीं लगाएंगे। लगाने के बाद फिर से छोड़ देना है, बस आपका काम कंप्लीट। इसके ऊपर आप लोग पुट्टी कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो गया नया वॉल के बारे में। आप सोच लीजिए किसी वॉल में डैम्प है, जहाँ पे पापड़िया छोड़ रहा है, रंग खराब हो गया, बालू निकल आया, तो क्या करेंगे? जहाँ पे डैम्प आया है, जहाँ पे पापड़ी निकल आया, उसको पुट्टी नाइफ से छुड़वा लीजिए। बालू निकल आया है तो वायर ब्रश से, जो इसमें तार लगा होता है वैसा ब्रश से साफ कर लीजिए। घिस के साफ करने के बाद पानी से धो दीजिए। पुट्टी नाइफ से पापी हटा के उसको भी पानी से धो सकते हैं, या सूखा ब्रश से झाड़ दीजिए। झाड़ने के बाद एक ही प्रोसेस है, दिमाग में रखिएगा, पानी बस एक बारी पहला कोट में यूज करना है। अब डैम्पिंग वॉल के बारे में और एक बात, हमने ये वॉल शील्ड 2 के लगा तो दिया, वाटरप्रूफ पुट्टी करना है। बर्जर होम शील्ड का एक वाटरप्रूफ पुट्टी बाजार में मिलता है, बहुत बढ़िया पुट्टी है। अब लोगों को अगर इस पुट्टी के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हम लोग जरूर नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लाएंगे। वाटर प्रूफ लगा दिए पुट्टी घिस के, सिलो प्राइम है बर्जर का, सिलो प्राइम है या डैम्प प्रूफ इलास्टो बोल के एक प्राइमर है, उसे यूज करिए। अगर डैम्प प्रूफ इलास्टो प्राइमर के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो देखिए ऊपर आई बटन में हम लोग का डैम्प प्रूफ इलास्टो के बारे में जो वीडियो बनाया है उसका लिंक दिख रहा है, आई बटन में जाके उसको देख के आप जान सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दिया है। घर का अंदर होगा तो सिलो प्राइम लगाइए, बाहर हो तो सिलो प्राइम और डैम्प प्रूफ इलास्टो कोई भी प्राइमर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आज तो हम लोग जान लिए ये दोनों प्रोडक्ट कैसे लगाना है, आगे भी ऐसा प्रोडक्ट आएगा। ये प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ मैंने बोला है ठीक तरह से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जो मिस्त्री और लेबर लोग देख रहे हैं उन सब भाई को मैं बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट के बारे में सही तरह से जानिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों का हेल्प करूँगा। और बाकी जो व्यूअर्स है वो लोग भी देख रहे हैं, उन लोगों को भी मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आप लोगों के घर में भी अगर कोई तरह का डैम्पिंग है तो मत घबराना, कमेंट्स बॉक्स में आके आप लोग कमेंट्स कीजिए, हम लोग ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों का काम का लगा, तो इसे लाइक कीजिए। आपका लाइक करने से हम लोगों को हौसला मिलता है नया नया वीडियो लाने के लिए आप लोगों के लिए। और दोस्तों पे भरपूर शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले कोई वीडियो में। नमस्कार।